अपने प्यारे भारत को, तो सोचा आपको भी ले चले, आप तो वहां जाते ही रहते हैं। ठीक है प्रभु, चलिए। थोड़ा बिजी थी, शॉपिंग करने गई थी। सुबह 11 बजे निकली और अभी 3 बजे वापस आ रही हूँ। नहीं नहीं लिया कुछ खास नहीं, खेल के पी लिया है। बाकी टाइम अरे अलग अलग जगह सेल्फी लेने में लग गया। पता पूरे 49 सेल्फी ली आज मैंने। काश 50 हो जाती तो हाफ सेंचुरी हो जाती। रुक रुक रुक, तेरे को ना मैं बाद में फोन करती हूँ, मुझे अपनी अगली सेल्फी का ना बैकग्राउंड मिल गया। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपके साथ सेल्फी ले सकती हूँ? आई नो आप मना नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम ट्विटर टेलीग्राम पे 1 लाख फॉलोअर्स हैं। मैं बहुत फेमस सेलिब्रिटी हूँ सोशल मीडिया पे, तो मेरे साथ पिक लेने पर आप और आपकी नाटक कंपनी भी फेमस हो जाए। स्टेटस डाल देती हूँ, क्या डालूँ? हाँ, जज इन फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन। नारद जी है, आप क्या कर रहे थे? कम से कम अपने नाम की गरिमा का तो ख्याल रखो। नारायण नारायण, प्रभु की बोल रहे हैं। मैं तो सतयुग त्रेता में भी नहीं आता हूँ, भक्त माला में गाया जाता हूँ। और सतयुग त्रेता में आने वाले देवता इस कलयुग में साधारण मनुष्य बनकर यही मोबाइल का खेल खेल रहे हैं, और आप मुझे बोल रहे हैं। यह तो कुछ भी नहीं है। कल मैं यमराजपुरी के पास से निकल रहा था, वहां एक प्राणी से यमराज जी ने पूछा, बोलो तुम्हें नरक में भेजूं या स्वर्ग में? वह बोला, मुझे एक बार पृथ्वी लोक पर जाकर अपना मोबाइल और चार्जर ले आने दो, फिर कहीं भी भेज देना, मैं कहीं भी रह लूंगा, बस मोबाइल होना चाहिए। नारद जी चाहिए, स्पष्ट और साफ साफ कहिए क्या बात है। नारायण नार, अब वह भारत भूमि नहीं रही जिस पर आपने राज किया था। आज तो सारे संसार पर कंस का राज्य चलता है। नारद जी, यह कैसे हो सकता है? कंस का वध तो स्वयं हमने इन हाथों से किया था। प्रभु, आपने तो केवल कंस के स्वरूप का वध किया था, परंतु आज के युग में कंस का स्वरूप बहुत सूक्ष्म हो गया है। आज तो वह डिजिटल रूप से ऑनलाइन कारोबार कर रहा है। नारायण नारायण, जहां एक ओर यह साधन मानव के लिए उपयोगी है, वही दूसरी ओर मानव अपने सत्य स्वरूप को छोड़ इसकी चंगुल।
सुधारे वाले अशांति के सागर और चिंतन के जन्मदाता पापों के पितामह सर्वव्यापी कलयुगी विश्व सम्राट मूर्खाधिपति महावंशीय मुझे जीवित देख हैरान हो गए। तुमने तो केवल मेरे स्थूल रूप को ही खत्म किया था, लेकिन मेरा सूक्ष्म स्वरूप इस संसार के कण कण में विद्यमान है। मैं वह वायरस हूं जिसका कोई एंटीवायरस नहीं है। तुम देखना चाहोगे मेरा साम्राज्य? नारद जी, आप देवताओं के ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, इधर की इंफॉर्मेशन उधर करते हैं, एक छोटा सा काम करेंगे? दरअसल मेरा आज पर्सनल असिस्टेंट छुट्टी पर है, जरा मेरे मोबाइल से मेरे टीम के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए कि मैंने उन सभी को अभी यहां बुलाया है। और हां, ये भी लिख दीजिएगा अपने अपने वाहन दूर पार करके आए, वरना यहां सारा जाम लग जाता है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। कर दिया। आपकी डीपी में आप इंडिया गेट पर घूमते बड़े अच्छे लग रहे हो। क्या, मेरी वही पुरानी डीपी लगी हुई है? ये तो मेरी परसों की फोटो थी, कल ही मैंने अपने असिस्टेंट को डीपी चेंज करने को कहा था। आने दो, उसे खबर लूंगा। आजकल मेरे अपडेट करना छोड़ अपने ही स्टेटस अपडेट करता रहता है। 24 घंटे से ज्यादा मेरी सेम डीपी लगी हुई है, इसका कितना बुरा असर पड़ेगा मेरे फॉलोअर्स पर। नारद जी, आप भी आपकी जय हो। मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? और सर बताओ अपनी। मैं हूँ व्हाट्सएप, डिजिटल दुनिया की सबसे बड़ी ऐप। कोई नहीं कर सकता अब अपना टाइम सेव, नहीं बनने दूंगी मैं किसी मानव को देव। रहती है मेरी सब पर नजर, सौ सौ बार देती हूँ एक ही खबर, एक ही खबर। कैसे किया मुझे आने पर मजबूर? फेसबुक, दिखा दो अपनी हुकूमत का जलवा मेरे दुश्मन को। मैं हूँ फेसबुक, मुझ पर दिखते हैं तरह तरह के फेस, रहते हैं जो देश और विदेश। किसका नकली किसका असली समझ नहीं आता परिवेश। जो कोई मुझको अपनाता टूट जाता खुद से भी नाता। मैं सबको इतना लुभाता, मूल्यवान समय खा जाता, मूल्यवान समय खा जाता। अपने मोहपाश का करो वखान, बता दो हम कितने हैं बलवान। मैं हूँ सबकी प्यारी, यूट्यूब पसंद करते हैं सब मुझको खूब। विभिन्न रंगों से सजी हुई कंस की दूध कहलाती, आकर्षक इस भटकाती इस दुनिया ने इतनी मुझे एक बार खोल ले। बोले दुनिया सारी ज्ञानी आज्ञानी, सबको मैं खूब गोती। देखी तुमने मेरी सेना, अभी तो मेरा सेनापति भी आता ही होगा। Thank you.
बसता है मेरा ही डंका। मुझसे पूछे बिना होता नहीं कोई काम, मेरे संग से कब हो जाए सुबह से शाम। सारी दुनिया का डेटा है मुझ में समाया, लेकिन फिर भी मानव खुद को ना ढूंढ पाया। मेरी इंफॉर्मेशन से समझ बैठे हैं खुद को ज्ञानी, सचिन सचिन के भ्रम में खो बैठे सारी बुद्धिमानी। मैं अभी तुम्हारा सब नाश कर देता हूँ। अरे मूर्ख, मुझे मारना इतना ही आसान होगा तो वर्ष वर्ष मेरा कद इतना नहीं बढ़ता। मैं तो सर्वव्यापी हूँ, सर्वव्यापी। हे स्वयंभू, अब तो नारायण नारायण। हे राजन, वह स्वयंभू जगत नियंता परम पिता परमात्मा शिव तो पहले से ही रावण राज्य का विनाश और सत्युग राम राज्य की स्थापना का कार्य शुरू कर चुके हैं। हे प्रभु, तेरी लीला परम अपार है, तेरी लीला तू ही जाने। नारायण नारायण।